गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर चार में, लेकिन लेक्चर चार में बात करेंगे हम पहले जो लेक्चर तीन आपको करवाया था उसका एक प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिया था। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता होती है, यानी अगर आप एक कमीज सिलाओगे उसके लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। 40 मीटर अपने पास जो कुल कपड़ा है वो 40 मीटर में कितने कमीज सिए जा सकते हैं या कितने कमीज सी जा सकते हैं, अब इसके बाद कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो आ जाइए, एक कमीज सवाल कर रहे हैं, एक कमीज में कपड़ा लगता है, एक कमीज में कितना कपड़ा लग रहा है वो आपके सामने है, 2 मीटर 15 सेमी। अब दोनों को इकाई ये कर देते हैं, 2 मीटर को हम 200 सेमी कर सकते हैं और प्लस 15 सेमी क्यों हुआ, ध्यान से वापस सुनिए। 1 मीटर या आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इससे क्या आपको पता रहेगा कि भाई सेंटीमीटर मीटर में क्या संबंध है। यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हमने इकाई ए कर दी है, मीटर को किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में, और ये ऑलरेडी पहले से क्या है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, इसलिए 2 मीटर बराबर कितने हो गए 200, दोनों का योग किया कितने आ गए 215 सेंटीमीटर। यह तो कंप्लीट है। अब अपने पास कुल कपड़ा कितना है 40 मीटर, क्योंकि कुल कपड़ा 40 मीटर, इसको भी किसे बदल देते हैं सेंटीमीटर में, तो आपके पास 40 तो था, 100 से और गुणा कर दिया 4000 सेंटीमीटर। अब यह है कि कुल कपड़े में कितने कमीज सिले, तो कमीजों की संख्या, इसीलिए कमीजों की संख्या, तो आप क्या क्या करेंगे 4000 में किसका भाग देंगे 215 सेंटीमीटर का। मैं भाग इस तरफ देख रहा हूँ, ये 4000 है, भाग दे रहे हैं 215 का, पहले तो एक बार गया 215, घटा देते हैं 10 में से 5 गया तो 5 बच गए, यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, अगली जीरो उतार लेते हैं, 8 बार के आसपास जाएगा, 8 × 5 = 40 हासिल के 4, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 12, 2 + 1 = 1, 8 × 2 = 16 और 1 = 17, 2 × 5 = 2 गया तो 3 और 1, यानी कि कितने कमीज सिले जा सकते हैं 18 कमीज, इतने कमीज सिले जा सकते हैं 18 कमीजों की संख्या बराबर आप लिखेंगे 18 कमीज, कितने कमीज सिले जा सकते हैं 18, लेकिन कपड़ा अभी भी शेष बच रहा आपके पास 130 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 40 मीटर कपड़े में 40 मीटर कपड़े में 18 कमीज सी जा सकते हैं, सी सकते हैं 18 कमीज सी सकते हैं तथा शेष कपड़ा
एक मीटर और 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए आप, एक कमीज में कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, दोनों की इकाई हम एक करेंगे, या तो दोनों को मीटर में बदलेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में, तो हमने बदल दिया सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर आपके पास पहले से ही है, तो ये हो गया 215 सेंटीमीटर। अब कुल कपड़ा अपने पास कितना था, 40 मीटर, पहले से दे रखा है 40 मीटर कपड़े में, 40 मीटर को भी किसे बदल दिया, सेंटीमीटर में, तो 40 को हमने 100 से गुणा किया 4000 सेंटीमीटर। अब चार जो आपके पास कुल कपड़ा था उसमें एक कमीज के कपड़े का भाग देंगे, तो हमने कमीजों की संख्या निकाली, तो 4000 में हमने किसका भाग दिया, 215 का, तो कितने कमीज आ गए, 18 कमीज आने के बाद कुछ कपड़ा शेष बच रहा है, ये देखिए जिस तरह भाग दिया है, तो हमने लिख दिया कि अतः 40 मीटर कपड़े में 18 कमीज सी सकते हैं, 18 तो पूर्ण कमी सी गई और इसके बाद में शेष कपड़ा बचा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। अब एक्सरसाइज ये 1.2 का क्वेश्चन था, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। प्रश्न वाली एक ही चल रही है जिसमें जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, समझ रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी नोटबुक में यानी कि SW की कॉपी में कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पर कार्य करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों ने जो सवाल किया है उस सवाल को आपने ध्यान से देखना है, मिलान करना है, कुछ 19-20 हिंदी में हो सकता है फ़र्क, बाकी आप लोगों का यदि आंसर सही आया कि 18 कमीज और 130 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, समय पे काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 ध्यान से समझने लायक है, कोई विशेष कठिन नहीं है। इसका पहला प्रश्न है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, क्वेश्चन एक, व्यापक नियम का, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए, यह आपके पास प्रश्न है। प्रश्न वापस पढ़ देता हूँ, व्यापक नियमों का प्रत्येक प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है 730 प्लस 998, 730 प्लस 998। अब प्रश्न ये कंप्लीट है, ध्यान से देखना है। प्रश्न दो है इसका 796, इसके बाद प्रश्न नंबर दो 796 माइनस 314, दो प्रश्न हल करवा देता हूँ, दो उसके बाद देखेंगे। अब इसमें व्यापक नियमों का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि आपको इनमें सन्निकट मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, सन्निकट मान ज्ञात करने हैं। जैसे आपकी ये संख्या 10 के करीब है या 100 के करीब है या 1000 के करीब है, इसमें इसको राउंड फिगर में हम क्या करते हैं, 10, 100 या 1000 के करीब लाके रख करते हैं। व्यापक नियम का अर्थ है वैसे सीधा ही जोड़ना होता इनको या सीधा ही घटाना होता तो ये व्यापक नियम का क्यों प्रयोग कर रहा है, यानी कि आपको सन्निकट में मान निकालने हैं। किस में निकालने हैं,
सन्निकट में देखे जैसे। अब सन्निकट में मान निकालने का मतलब है जैसे पहला प्रश्न है 730। अब राउंड फिगर में ये किसके करीब है, 700 के करीब है या 800 के करीब है। देखिए अगर 749 तक संख्या होगी तो इस संख्या का सन्निकट मान होगा 700। यदि संख्या 751 हो जाती है तो संख्या करीब हो जाती है 800 के। समझ रहे मेरे बात। तो सन्निकट का मतलब है किसके इर्द गिर्द है, तो हम लिखेंगे 730 का सन्निकट, 730 का सन्निकट मान कितना आया 700। इधर था 998 का सन्निकट मान। अब 998 का किसके करीब आया, 1000 के। किसके करीब आया, 1000 के। अब हम दोनों का क्या करेंगे, योग यानी कि आकलन। इसने कहा था कि प्रत्यय का क्या करना है, आकलन। इसलिए अब दोनों का योग कर दीजिए क्योंकि बीच में प्लस था, तो अब आपका योग हो गया 700 प्लस 1000 बराबर 1700। कैसे आया, 1000 था उसमें 700 जोड़ना है, 0 की 0, 0 की 0, 0 7 7 1 का 1 हो गया 1700। तो पहला मान हुआ आपका 1700। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ध्यान से देखिए। हाँ जी, 796 का सन्निकट मान, 796 का सन्निकट मान। अब 796 किसके करीब है, 800 के। तो इसका सन्निकट मान है वो हो गया 800। कितना हो गया, 800 हो गया। ऐसे ही 314 का सन्निकट मान, सन्निकट मान 314 किसके करीब है, 300 के। तो अब लिखेंगे आकलन। लिखेंगे आकलन तो आपके पास 800 माइनस 300 तो कितने हो गए, 800 में 300 गई तो 500। ये इसका आंसर है। समझ रहे इस चीज़ को। इस प्रकार पहले प्रश्न के मैंने 2 प्रश्न करवा दिए, इसके दोनों प्रश्न इसी प्रकार के होंगे, वो आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट, दूसरा है एक मोटे तौर पर आकलन यानी 100 तक सन्निकट। किस तक, 100 तक। प्रश्न पढ़ लेता हूँ, एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन दीजिए। मोटे तौर पे भी देना है और निकटतम भी देना है, यानी कि 10 तक भी दे सकते हैं और 100 तक भी दे सकते हैं। प्रश्न की हेडिंग में यही रख लेता हूँ क्योंकि बातें एक ही है, और यदि लगे कि नहीं सेम प्रश्न तो सेम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक मोटे तौर पर एक मोटे तौर पर आकलन अब आकलन किस प्रकार करना है, आकलन करना 100 तक सन्निकटन, 100 तक यानी कि आकलन 100 तक भी कर सकते हैं, 100 तक और एक निकटतम आकलन और एक निकटतम आकलन
100 तक और एक निकटतम आकलन यानी कि 10 तक निकटतम आकलन 10 से तक सन्निकटन 10 से तक सन्निकटन सौ तक भी ज्ञात कर सकते हैं, 10 तक भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ तक आपको ये देना दीजिए। समझ गए? यानी कि मोटे तौर पर आपको या तो सन्निकट सौ तक ज्ञात करना या 10 तक भी ज्ञात कर सकते, जरूरी नहीं है 100 करें 10 करें, जैसे पर्सन की डिमांड है उसी के हिसाब से हम राउंड फिगर में 10 या 100 तक करेंगे। पहला प्रश्न है 439 प्लस 439 प्लस इसके बाद 334 प्लस 4317। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है इसका 8325 माइनस 491। ये दो प्रश्न ले लेते हैं, पहले इसका सन्निकट करते हैं, तो एक एक का सन्निकट लिख लेते हैं। 439 का सन्निकट 439 का हो गया 400, 100 का ले रहे हैं, 334 का सन्निकट 334 का सन्निकट किसके आसपास आ गया 300 के, फिर 4317 का सन्निकट तो ये हो गया 4300 हो गया। अब ये सब योग में थे तो आप लिखेंगे इसलिए आकलन, आ जाइए जोड़ते इनको 400 300 प्लस 4300, इनको जोड़ लेते हैं 400 300 और 4300, 0 0 3 3 6 और 4 10 आंसर लिखे, 1 4 और 1 5। ये हो गया 5000, पहले वाले का सन्निकट कितना हो गया 5000। अब है दूसरा, आठ हजार तीन सौ पच्चीस का सन्निकट तो ये हो गया 8300, 100 के करीब ले रहे क्योंकि 325 का मतलब 300। 491 का सन्निकट, तो ये हो गया 500, इसीलिए आकलन। बराबर दोनों में से घटा देंगे, 8300 में से हम कितने घटा देंगे 500, आपके सामने मैं इधर घटा के दिखा रहा हूँ, 8300 में से 500 घटा रहे हैं, कितने घटा रहे हैं 500, जीरो में से जीरो गया तो जीरो जीरो, अब इसने यहाँ से ली एक तो यहाँ से लेते 10 और 3 13, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ शेष बच गए 7 7 का 7, तो आपके पास हो गए 7800। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, इसके शेष बचे हुए प्रश्न आपको हल करने हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, प्रश्न नंबर 3 है कि व्यापक नियम का
क्वेश्चन नंबर 3, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। पहला प्रश्न है 578 × 161, 578 × 161 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है 5281, 5281 × 3491, 3491। आगे ध्यान से देखेंगे, प्रश्न और चेक कर लेते एक बार। पहले दोनों, तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 1291 गुणा 592। हाँ जी, सवाल हल कर रहे हैं। 578 का सन्निकट, 578 किसके आसपास है? 578 600 के करीब है, तो इसका आंसर हो गया 600। और 161 का सन्निकट, 161 का, तो ये किसके करीब है? 200 के। अब दोनों का आकलन करेंगे किस रूप में? गुणा में रूप में। इसलिए आकलन, मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो हम गुणा करेंगे 600 × 200। देखिए गुणा करने का तरीका, 600 को हम किससे गुणा करेंगे? 200 से। पहले 0 से गुणा करेंगे, 0, 0 को 0 से 0, 0 को 6 से 0, फिर वही 0 को 0 से 0, 0, अब बच गया 2, 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 2 6 12, 0, 0, 0, 0, 2 का 2 1 का 1, एक तो हो गया। दूसरा तरीका यह है कि इकाई की तरफ से देखिए दोनों संख्याओं में कितने जीरो, इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, तो 2 और 2 कितनी जीरो आ गई? 4। अब बच गया 2 और 6, तो 6 दुनी 12, ये आ गया इसका आकलन। सीधा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 5281 का सन्निकट, मतलब ये किसके करीब है? 5300 के। दूसरा है 3491 का सन्निकट, अब ये 3491 किसके करीब है? 3500 के।
किसके करीब है? 3500 के। इसीलिए आकलन गुणा कर दीजिए, 5300 × 3500। हाँ जी, इकाई की तरफ से 2 और 2 4 0, 2 और 2 4। शेष बच गया आपके पास 53 × 35। गुणा कर लेते हैं, 5 × 3 15 हासिल का, 1 × 5 25 और 1 × 26। 3 से गुणा करते हैं, 3 × 3 9 और 3 × 5 15 जोड़ दीजिए, 5 9 और 6 15 हासिल, 1 5 और 2 7 1 8 और 1 का 1, ये इसका सन्निकट मान आ गया है। एक क्वेश्चन और इसका, क्वेश्चन नंबर 3। एक हजार 291 का सन्निकट, तो 1300, क्योंकि 291 मतलब ये 300 हो गया और 1000 आपका इधर था ही। 592 का सन्निकट, 592 का सन्निकट, तो ये हो गया 600 के पास। इसीलिए आकलन बराबर 1300 × 600, 2 और 2 4 0, 2 और 2 4, 6 × 3 18 हासिल, 6 × 6 = 7। इस प्रकार 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। तो 1.3 के क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में कुछ अन्य इसमें महत्वपूर्ण बातें आएगी जो आपको ध्यान से देखना है। अब घर से एक गृह कार्य के लिए एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है। हाँ जी, गृह कार्य के प्रश्न को नोट करें। क्वेश्चन 1, गृह कार्य। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का आकलन कीजिए। आकलन कीजिए, प्रश्न नंबर इसी का 1, 792 प्लस 478। प्रश्न नंबर 2, 799 माइनस 341। और प्रश्न नंबर 3, 393 × 215। ध्यान से देखेंगे कि इस व्यापक नियम में प्रश्न एक ही है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का आकलन कीजिए। पहला प्रश्न प्लस का है, दूसरा प्रश्न माइनस का है, तीसरा प्रश्न गुणनफल का गुणन का है। मतलब एक ही प्रश्न में आपको तीनों प्रश्न दे दिए गए हैं। उसके पीछे कारण है ताकि आपको ये तीनों नियम मालूम चल जाए। अब इसमें आपको जो सन्निकट मान निकालना है वो 100 के करीब निकालना है। किसके करीब निकालना है? 100 के, कि जैसे 792 किसके करीब है? 700 के है या 800 के। ऐसे 478 400 के करीब है या 500 के। जिस भी 100 के करीब है आपको उसी में बदलना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 जो गृह कार्य का दिया गया था वो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।